Hello friends, please subscribe my channel Knowledge Mom. हाय फ्रेंड्स, आज ये वर्क एंड टाइम की आठवीं वीडियो है और आज के वीडियो में मैं इस तरह की क्वेश्चन देने वाली हूँ, जैसे है कि यदि एक आदमी अथवा दो औरतें या तीन लड़के इस काम को इतने दिनों में करते हैं तो इतने लड़के तथा इतने आदमी कितने दिनों में करेंगे। इस तरह के बहुत सारे सवाल आते हैं जो कि सभी को बनाने में बहुत सारी दिक्कतें आती है इन सबको बनाने में। तो आज मैं केवल उन्हीं उसी टाइप के क्वेश्चंस को मैंने रखा है और एक कॉन्सेप्ट दे रखा है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और मैं गारंटी लेती हूँ कि इस तरह की अगर क्वेश्चन दोबारा आ गए आप लोगों के एग्जाम में तो आप ये क्वेश्चन छूटेगा नहीं कभी। इसीलिए इस वीडियो को अच्छे से समझ के देखें और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी करें, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे शेयर भी करें। आइए देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है आज का कि यदि एक आदमी तथा दो औरतें अथवा तीन लड़के किसी काम को 44 दिन में समाप्त कर सके तो एक आदमी एक औरत तथा एक लड़का मिलकर इस कार्य को समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे। समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे। तो आइए इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग इसका पहले रेशियो निकालते हैं। देखिए, एक आदमी अथवा दो औरतें अथवा तीन लड़के, इसका मतलब है कि अगर एक आदमी करेगा तो भी 44 दिन में ही काम करेगा, दो औरतें काम करेंगी वो भी 44 दिन में करेंगी, और अगर सिर्फ तीन लड़के भी करते हैं तो वो भी 44 दिन में काम को करेंगे। यानी कि आदमी को मैंने मैन एम से डिनोट किया है, वन मैन या दो औरतें, टू वमेन या तीन लड़के, थ्री बॉय, बी से डिनोट किया मैंने। इन तीनों में से अगर कोई भी काम करे तो ये सभी के सभी करते हैं कितने दिन में, 44 दिन में। अब आइए इससे हम पहले रेशियो निकाल लेते हैं। इसके पहले मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन की वीडियो में मैंने बताया था कि अगर इस तरह से रहे तो इसका रेशियो कैसे निकालते हैं, फिर मैं बता देती हूँ। मैन का रेशियो निकालना है, मैन को ढकेंगे और थ्री और टू को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 6। वमेन का निकालना है, वमेन को ढकेंगे और बॉय और मैन के डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 3। फिर बॉय का निकालना है, बॉय को हम ढकेंगे और इन दोनों के डिजिट को मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 2। अब देखेंगे क्या ये कट भी रहा है किसी से, नहीं कट रहा है, तो यही इसका रेशियो हो गया। अब इन तीनों में से किसी एक को आप लेके चल सकते हैं। अगर वन मैन को लेके चलते हैं कि एक आदमी यदि किसी काम को 44 दिन में करते हैं तो वही काम को एक आदमी प्लस एक औरत तथा एक लड़का, वन बॉय, इस काम को कितने दिनों में करेंगे मिलकर, यानी कि एक साथ, तो x दिन में करेंगे। अब आइए, मैन का रेशियो दिया हुआ है 6, 6 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 6 ही हो जाएगा, ये 44, यहाँ 1 मल्टीप्लाई m यानी कि 6 करेंगे तो 6 होगा, प्लस 1 वमेन, 1 वमेन का कितना रेशियो है 3, 1 बॉय का रेशियो कितना है 2 इंटू एक्स, इसे हम इस तरह से ही रहने देते हैं। अगर हम इन तीनों को ऐड करें तो हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई एक्स, 11 से काट दीजिए, ये 4 टाइम में कट जाएगा, x का मान आ गया 24, यानी कि ये सारे काम करेंगे कितने दिनों में मिलकर, तो 24 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चार आदमी तथा 6 औरतें मिलकर किसी काम को 8 दिन में समाप्त करते हैं जबकि 3 आदमी तथा 7 औरतें मिलकर इस काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो 10 औरतें मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगी। थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट है। अब है देखिए, 4 मैन तथा यानी कि प्लस 6 वमेन मिलकर किसी काम को 8 दिनों में करती है, ठीक है। अब कहता है जबकि 3 मैन तथा 7 औरतें मिलकर उस काम को 10 दिन में करती है, तो सबसे पहले हम इसका रेशियो निकाल लेंगे मैन और वमेन का, तभी हम इसका निकाल सकते हैं। आ जाइए, 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, 32 मैन, ये हो जाएगा, फिर हो जाएगा कितना, 48 वमेन। अब देखिए ये हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 30 मैन
ये हो जाएगा 71। आप इस इन 8 और 10 को काट भी सकते थे यहाँ, नहीं भी काटे तो कोई बात नहीं, वो माइनस हो जाएगा। मैन को आप इधर ले आइए, वोमेन को इधर दे देते हैं, तो 32 मैन माइनस 30 m इक्वल टू हो जाएगा 70 वोमेन माइनस ये 48 वोमेन। अब इसे अगर माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 2 मैन, और अगर हम इसे माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 22 वुमेन। इसे अगर काट दिया जाए तो ये 11 टाइम में कट जाएगा, यानी एम इज टू डब्ल्यू का जो रेशियो निकल जाएगा हमारा, वो निकलगा एम के सामने 11 और डब्ल्यू के सामने 1। ये हमारा रेशियो निकल गया। अब कहता है कि 10 औरतें मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगी, तो आप जो है इन दोनों में से किसी को भी लेके चल सकते हैं। आइए लेके चलते हैं किसी एक को। 4 मैन प्लस 6 W किसी काम को 8 दिनों में कर सकती है, तो 10 औरतें मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगी, यानी कि एक्स दिनों में। अब देखिए मैन का रेशियो क्या दिया हुआ है, 11, तो 11 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा 44, प्लस वमेन का रेशियो 1, तो 6 मल्टीप्लाई 1 6 हो जाएगा, इंटू 8। वमेन का रेशियो 1, तो 10 इंटू 1 कितना हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई एक्स। अब देखिए ये हो जाएगा, आप इसे अगर ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 50 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई एक्स। ये जीरो कैंसिल हो जाएगा हमारा, और एक्स का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 40, यानी कि 10 औरतें मिलकर इस काम को कितने दिनों में कर सकती है, तो 40 दिनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 पुरुष तथा 12 बच्चे, 8 पुरुष और 12 बच्चे एक काम को 9 दिनों में कर सकते हैं, एक बच्चा एक पुरुष की तुलना में 2 गुना समय लगाता है, कितने दिनों में 12 व्यक्ति काम को पूरा करेंगे। अब देखिए 8 पुरुष यानी 8 मैन प्लस 12 बच्चे यानी कि सी चाइल्ड कर देते हैं, इस काम को 9 दिनों में करते हैं, ठीक है, और पूछा गया कि कितने दिनों में 12 व्यक्ति काम को पूरा करेंगे, यानी 12 मैन कितने दिनों में, तो मान लेते हैं एक्स दिनों में। ये हमारा बन गया क्वेश्चन। अब हमें रेशियो निकालना है कि वन चाइल्ड एक बच्चा जो है एक बच्चा एक पुरुष की तुलना में, एक मैन है इसकी तुलना में ये 2 गुना समय लेता है, यानी कि एक आदमी जितना काम करेगा उस काम को करने में 2 बच्चे की जरूरत होगी, यानी 2 चाइल्ड इक्वल टू 1 मैन ऐसा हम बोल सकते हैं। अब अगर चाइल्ड और मैन का जो रेशियो हम निकालेंगे तो ये इसके सामने 1 और ये 2, इसका कहने का मतलब हुआ कि मैन अगर 2 काम करेगा तो चाइल्ड करेगा 1 काम। इस तरह से रेशियो निकल गया हमारा। अब हम रेशियो को इसमें पुट कर देंगे, तो 8 गुने मैन का रेशियो कितना है 2 प्लस 12 गुना चाइल्ड का रेशियो 1, सेम प्रोसेस है, 12 गुना मैन का रेशियो 2 गुना एक्स। अगर इसे करते हैं तो ये 16 हो जाएगा और ये 12, दोनों को हम ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा 28। ये करता है 9 दिनों में और ये हो जाएगा 24 यानी एक्स। अब इसे अगर हम काटे तो इसे हम काट देते हैं 4 से, ये कट जाएगा 6 बार में, ये 7 बार में, 3 से काट दीजिए, ये 2 और ये 3, यानी कि ये हो जाएगा 21 इक्वल टू 2x, यानी x का जो मान आ जाएगा 21 बाय 2। इसे पूर्णांक में अगर हम करें तो 10 पूर्णांक 1/2 दिन, ये हमारा आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, 4 औरतें उसी काम को 48 दिनों में कर सकती है, और 10 बच्चे उसे 24 दिन में कर सकते हैं। बताएं कि 10 आदमी 4 औरतें और 10 बच्चे उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो सबसे पहले हम इन सबका रेशियो निकाल लेंगे। तो देखिए 8 आदमी 8 मैन काम को करते हैं 12 दिनों में, उसी काम को 4 औरतें करती है 48 दिनों में, फिर उसी काम को 10 बच्चे करते हैं कितने दिनों में 24 दिनों में। आप इन सब को काट सकते हैं इक्वल में, अगर आप इसे काटते हैं तो 12 से काट दीजिए, ये हमारा कट गया। आप इसे 2 से काट सकते हैं, ठीक है, फिर 2 से काट सकते हैं आप, हो गया, यानी कि 2 मैन इक्वल टू 4 वमेन इक्वल टू 5 चाइल्ड,
यानी मैन इज टू वमेन इज टू चाइल्ड का रेशियो फिर उसी तरह से निकालेंगे, इसे ढकेंगे मल्टीप्लाई करेंगे ये 20, इसे ढकेंगे मल्टीप्लाई करेंगे ये 10, इसे ढकेंगे इसे मल्टीप्लाई करेंगे 8, फिर इसे काट देंगे 2 से, ये हमारा रेशियो आ गया 10:5:4। अब हम इस रेशियो को पुट करेंगे किसी भी एक में। तो हम पुट करते हैं कि यदि 8 मैन किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, तो क्वेश्चन है हमारा कि 10 आदमी 10 मैन प्लस 4 औरतें और प्लस 10 बच्चे इस काम को मिलकर कितने दिनों में करेंगे। अब इस पे हम सबका रेशियो क्या करेंगे, पुट कर देंगे, तो हो जाएगा मैन का रेशियो 10 है ना, तो 10 × 8 कितना हो जाएगा, 80 × 12। यहाँ पे पुट कीजिए मैन का रेशियो, मैन 10 मैन यानी रेशियो इसका 10 है, 10 × 10 कितना हो जाएगा 100। वमेन का रेशियो कितना दिया गया है 5, 5 × 4 कितना हो जाएगा 20। फिर हम चाइल्ड का रेशियो दिया गया है 4, 10 × 4 हो जाएगा 40 × x, ये 80 × 12 हो जाएगा, और इसे जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 160 × x। इसे काट दीजिए, ये कट जाएगा 2 बार में, फिर ये कट जाएगा 6 बार में, यानी x का मान आ गया 6, यानी कि 10 आदमी 4 औरतें और 10 बच्चे इस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो 6 दिनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कार्य को 12 बच्चे 16 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 8 वयस्क इसे 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 16 वयस्कों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया तथा 3 दिन बाद 10 वयस्क काम छोड़कर चले जाते हैं तथा 4 और बच्चे कार्य में लग जाते हैं, शेष कार्य को समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे। तो आइए सबसे पहले हम रेशियो निकाल लेते हैं इसका। 12 बच्चे 12 चाइल्ड ये करते हैं किसी काम को 16 दिन में, जबकि 8 वयस्क यानी 8 मैन मान लेते हैं हम इसे, इसे करता है 12 दिनों में। इससे हम इसका रेशियो निकालते हैं, ये 12 और 12 कट जाएगा, ये कट जाएगा 2 टाइम में, यानी 2c = m। इससे अगर c और m का रेशियो निकालेंगे तो इसका आ जाएगा 1 और 2, चाइल्ड का रेशियो 1 और इसका रेशियो 2 आ गया। अब देखते हैं, कहा गया कि 16 वयस्कों ने मिलकर काम को शुरू किया था, काम जो स्टार्ट किया गया था वह 16 लोगों ने मिलकर शुरू किया था, 16 मैन ने। अब क्या किया, वह 3 दिन के बाद काम छोड़कर चला गया, 3 दिन के बाद उसमें से 10 लोग काम छोड़कर चले गए। अब उस काम को करने के लिए 4 बच्चे और, यानी कि अब जो हो गए 16 में से 10 वयस्क चले गए, यानी कि 6 मैन बचा और 4 बच्चे 4c। अब ये सब मिलकर बाकी के काम को करेंगे तो उसे समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे। अब देखिए इनके लिए क्या जरूरी है कि सबसे पहले हमें एक और निकालना होगा कि चूंकि 10 आदमी जितने काम को छोड़कर गए वही हमारे लिए शेष काम है, तो पहले ये पता करना होगा कि 10 आदमी उस काम को कर कितने दिनों में सकता था, तभी हम इन दोनों का निकाल सकते हैं कि 6 मैन 4 चाइल्ड कितने दिनों में करेगा। अब देखिए 16 मैन मान लिया जाए, 16 मैन जो है 3 दिन तक काम किया था, यानी मान लिया जाए 16 मैन जो काम 3 दिन में करता है उसे हम निकालते हैं कि 10 मैन कितने दिनों में कर सकता था। आप इसे काट सकते हैं 2 से, ये हो गया, यानी कि और सॉरी सबसे पहले हम मैन का रेशियो रखिए, ये अगर काट भी दिए कोई बात नहीं, ये 5x, मैन का रेशियो कितना है 2, यानी कि ये 16 × 3 = 5x, x का मान हो जाएगा, इसको गुना कर दीजिए तो रुक जाइए, और ये एक सेकंड, 16 मैन 3 दिन में तो 10 मैन कितने दिनों में, मैंने यहाँ रेशियो नहीं रखा था, अब रेशियो रख देती हूँ बाद में, मैं काट दिया कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ मैन का रेशियो रखिए, मैन का रेशियो कितना है 2 यानी x, इसे मैं थोड़ा क्लीन में लिख देती हूँ, 16 × 3 = ये हो जाएगा 10 × x, मैंने सिर्फ मैन का रेशियो रखा है, इसे काट दीजिए फिर आप, ये 8, यानी x का मान ये 24 / कितना हो जाएगा 5, जब आप x का मान निकालेंगे, यानी कि 10 मैन जो है इस काम को कितने दिनों में कर सकता है 24/5 दिनों में, ये 10 मैन कर सकता है 24/5 दिनों में। अब आइए,
अब हमारे पास पता है कि चूंकि 10 व्यक्ति जितने काम को छोड़कर गए थे वो कर सकता है 24/5 दिनों में, तो अब इससे हम निकालेंगे कि चूंकि 10 मैन जिस काम को 24/5 दिनों में कर सकता है उसी काम को 6 मैन और 4 चाइल्ड कितने दिनों में करेगा। मैन का रेशियो पुट कर देते हैं 2 है, ये हो जाएगा 24/5 इक्वल टू, अगर मैन का रेशियो यहाँ 2 रखते हैं तो 6 × 2 = 12 हो जाएगा, और प्लस चाइल्ड का रेशियो 1 है तो यहाँ रखिएगा 4, 12 और 4 कितना हो जाएगा 16 × x। आप इसे 5 से कट कीजिए, ये हो जाएगा 2। अब इसे आप कीजिए 16 से 4 से काटिए, ये 6, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा और ये 4 कट गया, यानी x का जो मान आ गया वो आ गया 6, यानी कि शेष कार्य को ये 6 मैन और 4 चाइल्ड कितने दिनों में कर सकते हैं, तो 6 डेज में। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।